स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई की गई, गाजर घास को हटाकर परिसर को स्वच्छ किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य एलन शर्मा ने बताया कि विद्यालय परिसर में प्रतिदिन सफाई की जाती है, जिससे परिसर बिल्कुल स्वच्छ है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता का साप्ताहिक अभियान चलाया गया। इसके साथ ही कई शैक्षणिक गतिविधियां भी की जाएंगी और आज सभी शिक्षकों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान की शपथ भी ली गई। यह स्वच्छता अभियान 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कई तरह की शैक्षणिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। पहले दिन स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर में साफ सफाई की गई और स्वच्छता की शपथ ग्रहण की गई। इस मौके पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष पर आज स्वच्छता अभियान महाविद्यालय में प्रारंभ किया। ये स्वच्छता अभियान एक सप्ताह तक चलेगा। आज महाविद्यालय परिसर की सफाई का कार्य किया गया और महाविद्यालय के स्टाफ के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्वच्छता की शपथ ग्रहण की है। इसी प्रकार से महाविद्यालय के वो विद्यार्थी जो अभी महाविद्यालय में नहीं आ रहे हैं, तो ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिता का आयोजन उसमें किया जाएगा और बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत भी किया जाएगा। हम स्वच्छता अभियान का जो एक कार्य है वो आम जनता तक भी पहुँचाएंगे। महाविद्यालय का इको क्लब निःशुल्क मास्क का वितरण भी करेगा। जो व्यक्ति बाजार में घूम रहा है बिना मास्क के, उसे समझाइश दी जाएगी कि भाई मास्क पहने और हम उन्हें निःशुल्क मास्क भी देंगे। इसी तरह से सैनिटाइज़र भी हम लोगों में वितरित करेंगे और जन जागरण लाएंगे कि समय समय पर या तो हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज करते रहें। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा महाविद्यालय और हमारा शहर स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहेंगे। ये हम पूरा सप्ताह मनाने जा रहे हैं।